तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं श्री राम जानकी मंदिर नया टोल, जो इस क्षेत्र में बहुत ही चर्चित मंदिर है और बहुत क्षेत्रफल बड़ा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का सीन, फिलहाल बाहर का सीन है और देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल वाला मंदिर है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। मैंने सुना था बहुत जगह ये नया टोल का राम जानकी मंदिर है। अब मैं अंदर इंटर कर चुका हूँ, अंदर आया हूँ गेट से और ये देख सकते कितना बड़ा मंदिर है। ये आगे का मंदिर मेन मंदिर है, आगे का सीन है और ये फ्रंट दरवाज़ा है, अभी फ़िलहाल काम चल ही रहा है। बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है ये दरवाज़ा, गेट मेन द्वार है ये और फिलहाल कुछ दिन पहले का बना हुआ है और देख सकते हैं आपको साफ साफ वीडियो में दिख रहा होगा। और ये मंदिर का एरिया है फ्रंट का, मैं आगे भी दिखा रहा हूँ आपको पूरा राउंड करके। ये जो मूर्ति दिख रहा है ये पत्थर का मूर्ति है, प्रतिमा है श्री राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी का, ये पत्थर का है। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर चला आया हूँ मंदिर के पहले मंजिल पे, छत पे, और यहाँ से मैं आपको अच्छा व्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा व्यू जाता होगा। और देख सकते कितनी हरियाली, कितना हरियाली है। और मैं ऊपर में हूँ अभी और ऊपर में ये मतलब मंदिर का काम है, जलावन रहता है ऊपर, मैं ऊपर का भी सीन दिखा रहा हूँ मंदिर के। देखिए पूरा ऊपर का सीन दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं ऊपर वो सबसे ऊपर जो है चक्र ओम का है, अभी मैं जूम कर रहा हूँ, मैं दिख रहा होगा आपको। और ये लगभग बहुत ऊंचा है, मैं बता नहीं सकता कितना ऊंचा है ये, मैं अभी पहले मंजिल पे हूँ। और देखिए आगे का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरे नया टोल श्री राम जानकी मंदिर के क्षेत्रफल क्षेत्र में आता है, ये पूरा क्षेत्रफल उसी के मंदिर का है। और ये हनुमान जी का मंदिर है, ये देख सकते हैं अभी। और ये जो बगल में छोटा सा मंदिर है वो शिव जी का है, इसमें शिवलिंग स्थापित है, मैं शिवलिंग दिखा रहा हूँ आपको। और ये दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये शिव शंकर जी का मंदिर है। और ये बगल में अभी मैं आपको लेके आया हूँ फील्ड में, और ये मंदिर का फील्ड है जो दिख रहा होगा आपको। और ये जो दिख रहा है घर, ये गौशाला है, गौशाला। और ये पूरा क्षेत्रफल मंदिर का ही है, ये पेड़ है आम का पेड़। भक्तों अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखें, आप घूमें, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुंदर भव्य मंदिर है।